12 रबीउल अव्वल को हमारे नज़दीक हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल पाक होता है। अब लोग कहते हैं कि जी तुम अजीब लोग हो, 12 रबीउल अव्वल हुजूर के विसाल का दिन है और आप जो है 12 को खुशियां मनाते हैं, जबकि प्यार का तुम धम भी भरते हो, कहते हो कि हमें नबी से इश्क भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है और इश्क की अजानें भी पढ़ते हो और फिर खुशियां भी मनाते हो। कोई प्यारा चला जाए तो खुशी नहीं मनाई जाती, सोग मनाया जाता है, गम मनाया जाता है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग इन बातों में आकर अपना अकीदा कमज़ोर कर बैठते हैं कि बात तो ठीक है, जब हुजूर का विसाल है तो फिर खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो इस हवाले से अगर मैं चंद बातें अर्ज़ करूं, आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपको काम आएंगी। पहली बात यह है, जो कहते हैं कि नबी का 12 रबीउल अव्वल को विसाल है तो आपको गम मनाना चाहिए। पहली बात तो ये है, गम तो वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी कियामत तक जिंदा रहेगा। जब हमारे नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जिंदा हैं, बासलामत हैं, तो फिर हम गम नहीं मनाते। और मैं अगर अपनी किताबों का हवाला दूं तो लोग कहेंगे पता नहीं ये अपना मसलक बयान कर रहे हैं। दूसरे लोगों ने लिखा है कि हुजूर वजूद कायनात हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत कायनात हैं, और उन्होंने लिखा कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर का विसाल नहीं है, हुजूर की विलादत है। नशर तीब उठा लें, इफादात यौमिया उठा लें, इमदादुल मुश्ताक उठा लें, सब ने लिखा है। दलील क्या देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी हज फरमाया हज्जतुल विदा, वो जुमा का दिन था। कौन सा दिन था भाई? जुमा का दिन। उसके बाद मुहर्रम, सफर, इन महीनों को अगर गिनती करें 2/29 के 1/30 का या 2/30 के 1/29 का या 3/29 के या 30 के बनाए, हुजूर का विसाल है सुमार के दिन, पीर के दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल पाक है, तो पीर के दिन विसाल हो रहा है। तो आप ये महीने बना लें, 29 के बनाए, 30 के बनाए, तो किसी सूरत में भी 12 पीर के दिन बनती नहीं है। ये उनकी दलील है, वो खुद कहते हैं कि 12 को जो है अवाम मशहूर करती है, लेकिन उनके बड़ू ने खुद कहा है कि 12 को विसाल नहीं है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।